स्टूडेंट्स, टुडे माई सेल्फ पोजिश एंड डिस्कस विद यू सम डेफिनेट इंटीग्रल बाय सम टिपिकल सब्स्टिट्यूशंस। इस तरह की टिपिकल सब्स्टिट्यूशंस में चार तरह की टाइप्स आती है। फर्स्ट जो आपकी टाइप है वो है लीनियर रूट लीनियर। डिनोमिनेटर जो है वो कंसिस्ट करता है लीनियर रूट लीनियर, ठीक है। तो इस बार जो है क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा इंटीग्रल जो है दिया हुआ है dx upon x minus 1 root x plus 1। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर्स हैं हमारे पास में, एक विदाउट रूट है और एक विद रूट है। तो अगर इस तरह की आपके पास कोई कैटेगरी आती है तो वहाँ आपको क्या करना है, जो रूट के अंदर आपका लीनियर फैक्टर है उसे आप पुट करेंगे। इसके इक्वल पुट करेंगे पी के इक्वल, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर करें तो x प्लस 2 किसके इक्वल हो गया टी स्क्वेयर के। x की वैल्यू हो गई यहाँ से टी स्क्वेयर माइनस 2। अब आप दोनों साइड को डिफरेंशिएट कीजिए, x का डेरिवेटिव आएगा dx और टी स्क्वेयर माइनस 2 का हो जाएगा 2t dt। अभी सभी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू आर इंटीग्रल का करेंगे। dx का हो गया आपका 2t dt x माइनस 1, x की वैल्यू थी टी स्क्वेयर माइनस 2, माइनस 1 और करना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 3 और रूट एक्स प्लस 2 हमने अज्यूम किया था टी। पी से टी जो है वो कैंसिल हो रहा है और इंटीग्रल बन रहा है हमारा 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 3 डी। नाउ दिस 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 स्क्वेयर। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डीएक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1/2a, a इज रूट 3, log of mod of x minus a upon x plus a plus 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, t को हम रिप्लेस करेंगे इससे रूट x प्लस 2 से। तो ये जो हमारा इंटीग्रल होगा ये बन जाएगा आपका रूट x प्लस 2 माइनस रूट 3 रूट x प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस। इस तरह से ये फर्स्ट टाइप में ये ध्यान रखना है हमें कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर रूट लीनियर है तो रूट लीनियर रूट होगा किसके इक्वल टी के इक्वल। अब हम करेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में जो डिफरेंस आता है वो है हमारे पास हो सकता है क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। एग्जांपल है इसका dx अपॉन x स्क्वायर रूट x प्लस 1, दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज लीनियर। तो इस तरह की कैटेगरी में भी आपको वही काम करना है जो हमने इसे पहले वाले टाइप में किया था। जो रूट लीनियर है आपके पास में उसे आप पुट करेंगे t के, x प्लस 1 इसके इक्वल हो जाएगा टी स्क्वेयर के, x हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 1 और डिफरेंशिएट करें तो dx हो जाएगा 2t। अभी हम दोनों के दोनों यहाँ जितनी भी वैल्यूज है इसे पुट करें तो dx हो गया हमारा 2t dt, x स्क्वेयर हो जाएगा t4 माइनस 2t स्क्वेयर प्लस 1। एक्स स्क्वेयर हो गया टी फोर माइनस टू टी स्क्वेयर प्लस 1 और रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा आपका टी। टी से टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टी कैंसिल हो गया। अब हमें ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को जो है लिखेंगे 1 प्लस 1 टी फोर माइनस टू टी स्क्वेयर प्लस 1 डी। यहाँ हम टी स्क्वेयर ऐड कर लेते हैं और टी स्क्वेयर भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से पूरा इंटीग्रल जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नाउ टेक इट एज आई वन एंड दिस इज आई थ्री। अब आई वन में जो हमारे पास इंटीग्रल है ये भी एक स्पेशल टाइप की इंटीग्रल है जहाँ पर न्यूमिनेटर में मैक्सिमम पावर 2 और डिनोमिनेटर में कितनी मिलती है 4। इसका पहला स्टेप होता है टी स्क्वेयर से जितनी भी
टर्म्स हम सबको डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सब्सटीट्यूशन का, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करते हैं हम टी माइनस 1 बाई टी को हम जेड पुट कर देते हैं, ताकि डिफरेंशिएशन करने पर हमें एक्जैक्टली यही अमाउंट मिल जाए, टी का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, डी टी इज इक्वल टू डी जेड। कंप्लीट यही वैल्यू जो मिल गई हमें और इसके इक्वल हो गए डी जेड की। अब ये जो अमाउंट है ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ स्केयर कर लेते हैं हम। अगर हम स्केयरिंग करें तो ये हो गया टी स्केयर प्लस 1 बाई टी स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू जेड स्केयर, ये माइनस 2 हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड स्केयर प्लस 2। तो अब ये जो इंटीग्रल हमारा हो गया ये हुआ डी जेड अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है जेड स्क्वायर प्लस 2 और ये दे रखा है माइनस 2, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना रह जाएगा जेड स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस 1 बाई जेड। अब हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे टी माइनस 1 बाई टी और एलसीएम लेंगे रिवर्स होगा तो ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें आएगा आपका t की वैल्यू पुट अप करेंगे तो रूट एक्स प्लस 1 और इसी तरह से यहाँ t स्क्वायर करेंगे तो ये x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 का 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा कितना रहेगा, तो ये i1 का इंटीग्रल हो चुका है हमारा कंप्लीट प्लस c1 और ये हम यहाँ i1 पर पुट अप करेंगे। नेक्स्ट रहता है i2, i2 के लिए भी हमारे सेम यही स्टेप्स चलेंगे। i2 देखो उसमें भी मैक्सिमम पावर न्यूमिनेटर में 2 है डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैक्सिमम जो पहला स्टेप है आपका वही रहेगा टी स्क्वायर से डिवाइड करना, टी स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। यहाँ नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें हम टी प्लस 1 बाई टी का यू के, क्योंकि यहाँ हमने लिया था टी माइनस 1 बाई टी और यहाँ क्या पुट कर रहे हैं टी प्लस 1 बाई टी, इस तरह की सब्स्टिट्यूशन लेनी है ताकि डेरिवेटिव में ये वैल्यू खत्म हो जाए आपकी, t का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी। नाउ अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयरिंग करकर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये प्लस 2 अगर हम उधर करें तो हो गया यू स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ ये पुट कर ले तो ये वैल्यू बन गई डी यू और ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला लग रहा है वो अप्लाई करते हैं 1 बाई 2 ए, तो हो जाएगा ए भी 2 है और 2 ए लगाना हमें तो 2 इंटू 2 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ यू माइनस 2 अपॉन में यू प्लस 2 प्लस सी। अब यहाँ फिर से क्या करेंगे यू को रिप्लेस करेंगे, तो यू को रिप्लेस अगर हम करें तो किससे रिप्लेस करेंगे हम टी प्लस 1 बाई टी से, 1 बाई 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 बाई टी माइनस 2 टी प्लस 1 बाई टी प्लस 2 और प्लस सी। नाउ टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड्स वी हैव टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 1 एंड दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 1। नाउ अगेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में रूट एक्स प्लस 1, उसके बाद जो आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल है वो आ जाएगा दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और ये टी प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो होल पावर में आपके पास स्क्वायर आएगा, लॉग में जो पावर होती है वो कहाँ जाती है आगे आती है, तो जब वो पावर का 2 आगे आएगा तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 और ये हो जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और प्लस। अब आप टी को रिप्लेस कर सकते हैं जैसे यहाँ किया था हमने मोड ऑफ एक्स प्लस 1 से। ठीक है, और आई वन आई टू दोनों की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास प्रॉपर जो इंटीग्रल है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट है। अब ये तो थी हमारे पास सेकंड टाइप, अब नेक्स्ट टाइप देखिए थर्ड टाइप जो है में हमारे पास जो इंटीग्रल है वो है लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक इसका एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर रूट क्वाड्रेटिक का d
dx अपॉन में 1 माइनस x रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अगर इस तरह की कैटेगरी है आपके पास आपके इंटीग्रल में तो आप लीनियर को पुट करेंगे 1 बाय t के, ठीक है। यहाँ हमारा लीनियर है 1 माइनस x, उसे हमने क्या लिख लिया 1 बाय t। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 1 बाय t, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx हो जाएगा 1 बाय t स्क्वायर dt। यहाँ पुट करते हैं सभी वैल्यू 1 बाय t स्क्वायर dt, 1 माइनस x कितना है 1 बाय t और रूट 1 माइनस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका माइनस 1, माइनस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 2 बाय t। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, इसका एलसीएम कितना आएगा t स्क्वायर, t स्क्वायर स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो t आएगा, t इंटू t कितना हो जाएगा t स्क्वायर, तो 1 बाय t स्क्वायर से 1 बाय t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका जो इंटीग्रल है वो रहेगा रूट 2 t माइनस। अब ये जो इंटीग्रल है इसे सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे पावर रूल, इसकी पावर जो है न्यूमिरेटर में बनेगी माइनस हाफ, उस पर पावर रूल बनेगा तो प्लस 1 करना पड़ेगा पावर में तो हाफ आएगा, हाफ से ही हम डिवाइड करेंगे और साथ में इसके फंक्शन का डेरिवेटिव, ये कैंसिल हो गया ये प्लस सी, तो ये हो गया रूट 2 टी माइनस 1 प्लस। अब आपको जो टी है वो रिप्लेस करना है, यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम एलसीएम लें और इसको सोल्व करें तो ये वैल्यू बन जाएगी रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, ठीक है। नेक्स्ट फोर टाइप है बेटा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को पुट करेंगे 1 बाय t, तो dx हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाय t स्क्वायर dt, ये हुआ माइनस 1 बाय t स्क्वायर dt 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम t स्क्वायर आएगा और 1 बाय टी स्क्वायर से 1 बाय टी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका एलसीएम टी स्क्वायर रहेगा जो रूट से बाहर आकर टी होगा और रिवर्स करने पर ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास माइनस टी टी स्क्वायर प्लस 1 रूट टी स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब ये जो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है इसे हम पुट करेंगे जेड, तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया जेड स्क्वायर और टी स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1, dt डेरिवेटिव लेकर 2z dz हो गया जिसमें t dt की वैल्यू आ गई आपकी z dz, ये बनेगा माइनस z dz अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आएगी z स्क्वायर प्लस 2 और ये वैल्यू है z, z से z क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 dz। वैल्यू लगाते हैं हम माइनस 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें हम बस वैल्यूज रखेंगे माइनस 1 बाई रूट 2 टेंजेंट इनवर्स z है हमारे पास में रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस t जो है वहाँ 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 एक्स प्लस।